हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 66 करने वाले हैं बच्चों ये जो आज की वर्कशीट आपकी हिंदी की वर्कशीट है तो इसमें हम आपके डायरेक्ट इसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं क्योंकि रस को हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से पहले भी हमने पढ़ा है कि आचार्य भरत मुनी ने नौ प्रकार के रस दिए थे तो सबसे पहले आप तो नोटबुक निकालें आप तो हिंदी की नोटबुक निकालनी है आपको इधर सबसे ऊपर लिखना है आपको कार्यपत्रक सिक्सटी सिक्स उसके बराबर में लिखना है इधर तिथि लिखनी है ग्यारह दिसंबर दो हजार बीस और इधर आपको लिखना है हिंदी व्याकरण रस सिद्धांत जो फोर क्लास के लिए बच्चे हाँ पे हाँ पे अपना नाम लिखोगे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे ओके okay? तो इसमें हमने देखा है बच्चों अब तक हमने जाना कि रस सिद्धांत की प्रेरणता आचार्य भरत मुनि ने नौ प्रकार के रस का उल्लेख किया है किंतु अब रसों की संख्या ग्यारह कही जाती है प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जिसकी आ, सूची कुछ कुछ इस प्रकार है जो देख सकते हो हमने देखा था ना इसमें श्रृंगार रति करुण यानी 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 शोक रौद्र क्रोध वीर उत्साह हास्य हंसी ये सब कुछ हम पहले बच्चों पढ़ चुके हैं और विभक्स यानी कि घृणा वात्सल्य ममता इसने ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं तो श्रृंगार रस जो है एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम इसे रीड करेंगे श्रृंगार शिंगा, श्रृंगार रस जहा नायक यहां बात होगी जहा नायक और नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठा वर्णन होता है वह श्रृंगार रस होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है यह है दो प्रकार से होता है संयोग रस और वियोग रस राम को रूप निहारत जानकी राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई याते सवे सूद भूल गई कर टेक रही पल टारत नहीं मतलब जानकी राम जी को ऐसे देख रही हैं कि उनकी उन पे से नजर ही नहीं हट रही है तो इसी तरीके से आपको ये श्रृंगार रस यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद करुण रस है तो श्रृंगार रस वही है जो एक पुरुष और मतलब नायक और नायिका के जो इसके हैं प्रेम आ, इनके प्रेम को इसमें दर्शाया जाता है करुण रस क्या होता है करुण रस ये होता है इसमें किसी प्रकार की दुख से संबंधित इसमें बेसिकली जो फोकस किया जाएगा दुख से और जो आपका श्रृंगार था वो प्रेम से और ये क्या है इसमें आपका दुख से संबंधित अनुभूति प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण उत्पन्न होता है तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है शोक होता है क्या होता है बच्चों स्थाई करुण रस का स्थाई भाव क्या होगा आपका शोक होगा ओके okay? और जो आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा वो रति तो ये पॉइंट करने वाली चीजें हैं श्रृंगार रस यानी कि प्रेम पूर्वक श्रेष्ठा ओके okay? और इसका स्थायी भाव रति हो गया ऐसा ही करुण रस आपका ये करुणा से संबंधित है और इसका स्थायी भाव आपका शोक हो गया तो इसमें है शोक विकल सब रो वहनी रानी रूपू सिलू बलू तेजु बखानी कर विलाप अनेक प्रकारा परी ही चूमी तल बारह ही बारह तो वही मतलब एक करुण यानी के एक यहाँ पे शोक को दर्शाया गया है एक दुख को दर्शाया गया है इसके अंतर्गत तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है आपके जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं श्रृंगार कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए और आपका जो है इसमें करुण रस कब उत्पन्न होता है फटाफट जब बच्चे जल्दी से आप ये क्वेश्चन नोट कर लोगे से क्वेश्चन नोट करेंगे आप हम इसका आंसर करते चलेंगे मैं साथ के साथ आपको यही लिखवाती चलूंगी नेक्स्ट पेज पे लिखवाऊंगी सबसे पहले आप ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे श्रृंगारस कितने प्रकार का होता है उनके नाम लिखिए उस वह रस कब उत्पन्न होता है इसका स्थायी इस भाव क्या होता है हमने पढ़ा था ना स्थाई भाव क्या होता है इसका शो होता है ओके और श्रृंगार का क्या था रति था जो हमें हमने पढ़ा रति था इनके नाम लिखने तो अभी हम इसे करेंगे और इसमें हमें कुछ इनको आपस में सुमिलित करना है करुण का क्या होगा आपका और आपका जैसे करुण का क्या हो जाएगा हमने पढ़ा था शोक हो जाएगा और श्रृंगार का क्या था आपका रति रोद्र का क्या हो जाएगा क्रोध वीर का हो जाएगा उत्साह ऐसे ही हास्य क्या, 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 क्या था हंसी शांत का क्या होगा निर्वेद शांत भयानक का क्या हो जाएगा भय अद्भुत का क्या हो जाएगा विस्मय तो इसे अभी हम आगे करेंगे तो आइए बच्चों आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दो क्वेश्चन तो चलते हैं फटाफट इसमें हम नोट डाउन करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न एक करेंगे प्रश्न एक तो प्रश्न अगर आप लिख चुके हो तो ठीक है नहीं तो मैं इस प्रश्न आपको लिखवा देती हूँ साथ के साथ सब बच्चे लिखना स्टार्ट करेंगे श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है है उनके नाम लिखिए ओके okay. तो आइए हम करते हैं इसका उत्तर श्रृंगार रस श्रृंगार रस तो प्रकार का होता है ओके okay. कौन कौन सा होता है जो हमने भी इसमें देखा था पहला है संयोग साथ के साथ बच्चे नोट करेंगे संयोग श्रृंगार रस और आपका सेकंड हो जाएगा सेकंड आपका हो जाएगा श्रृंगार रस अच्छे से नोट करें इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था करुण रस कब उत्पन्न होता है और इसका हमें स्थाई भाव बताना था तो आपका है प्रश्न दो क्वेश्चन नोट कर लेंगे करुण रस कब उत्पन्न होता है और इसका स्थायी इस भाव कौन सा है इसका स्थायी इस भाव कौन सा है बच्चों हमारे चैनल पे आपको टेंथ की सारी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं तो जरूर देखेंगे आज की भी आपकी ग्यारह तारीख की सारी वीडियोस अपलोडेड है जो आपकी अदर सब्जेक्ट की आई हैं टेंथ की सारी की सारी वर्कशीट सॉल्व कराई जा चुकी है तो उसे आप जाके जरूर देखें किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति की रचना दुख से संबंधित क्या बच्चों अनुभूति की रचना को तो पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है इसका स्थाई भाव जो मैंने आपको पहले ही बताया था स्थाई भाव क्या है तो इसका स्थाई भाव है आपका शो तो जैसे अभी हमने श्रृंगार का देखा था श्रृंगार का क्या था रति तो आई थिंक आपको अभी बिल्कुल मेरे साथ करते करते चीजें याद हो गई होंगी तो थोड़ा स्लो स्लो करने का आपका यही तरीका होता है साथ के साथ क्वेश्चन नोट करने का आपको बच्चों यही फायदा है तो आपका प्रश्न जो तीन था मिलान करने का उसे भी हम करेंगे तो बच्चे आप इसे नोट कर ले हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर तीन पे उसे हम साथ के साथ नोट कर लेंगे ताकि आप साथ के साथ उसे नोट कर लो तो प्रश्न आपका तीन है तो इसमें हमें क्या करना था सुमेलित कीजिए क्या करना था हमें सुमेलित कीजिए ओके तो आइए हम करते हैं तो इसमें जो आपका फर्स्ट है श्रृंगार यानी रति करुण का क्या था उसके सामने सामने आपको लिखना है सुमिलित करने का मतलब अब बड़ी क्लास में यही होता है हम ऐसे लाइन नहीं खींचते जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया था उस तरीके से नहीं खींच करते हैं हम ऐसे प्रोफेशनल जो हमारा लिखने का तरीका होता है अच्छा सा एक होती है गुड हैंड राइटिंग के साथ अच्छे से लिखना वो इसी प्रकार से आपको करना चाहिए वरना एग्जाम में जो आप मिलान करके आते हो इस तरीके से क्रॉस करके जो आते हो इसका ये इसका ये आ, तो इसमें आपके मार्क्स में प्रॉब्लम आती है आश्य हो जाएगा असी या आशय ओके सिक्स का आपका हो जाएगा शांत भयानक, भय आठ हो जाएगा अद्भुत विस्मय ओके तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही था आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे और वीडियो को आप लाइक भी करोगे और अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी करोगे आज की जो आपकी ये वर्कशीट है हिंदी की तो ये आपकी वर्कशीट में हिंदी की वर्कशीट आपकी आज की डेट की आई थिंक साइंस की भी जो जितनी भी आज की डेट की ग्यारह तारीख की वर्कशीट है उसमें अपलोडेड है जो आज की वीडियो की आपकी बाकी अदर वर्कशीट है वो अपलोडेड है तो बच्चे जरूर जाके चैनल पे आप देखेंगे बाकी वीडियो भी 11 तारीख की सारी आपकी सॉल्यूशन इसी प्रकार से आपको मैथ्स का साइंस के इंग्लिश का सबका सॉल्यूशन इसी प्रकार से कराया गया है ओके तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लक्सी लग, अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर से बताएं आपको वीडियो कैसे लगी है सारे टेंथ क्लास के स्टूडेंट और आज, आपके सीबीएसई के जो टेन ईयर हैं यानी कि टेन ईयर्स के जो क्वेश्चन है सीबीएसई में आए हुए जो टेन ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा दस सालों के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जैसे ही आपकी वर्कशीट का ये पुनरावृत्ति ख़त्म होती है तो ये हम आपका पंद्रह दिसंबर के आसपास आज, से चालू कर देंगे आपका डेली एक पेपर यहाँ अपलोड होगा सीबीएसई का इससे क्या होगा जो आपके प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन है उसकी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे कि आपके आने वाले जो सीबीएसई एग्ज़ाम्स हैं एग्जाम एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे जो कि आपको किसी भी चैनल पे ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी कराई जाएगी आगे तो आपको सारे सी बी एस सी के क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें तो जरूर से चैनल को सब सब्सक्राइब करें हिट बटन पे क्लिक करके लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक क्योंकि इस वीक की अब कोई वर्कशीट नहीं है तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ओके थैंक यू